children, welcome to Adda 247 Online School. Myself Sneha and I'm here as your science teacher. तो आज हम शुरू करते हैं क्लास नाइन्थ के पहला साइंस चैप्टर के साथ, जिसका टॉपिक है, जिसका टाइटल है मैटर इन आर सराउंडिंग्स. तो हम इसके हेडिंग के साथ ही शुरू करते हैं कि मैटर इन आर सराउंडिंग. अच्छा, ये बताइए कि मैटर क्या है. अगर आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन सुना होगा तो मैंने उसमें ऐसे भी पहले एक्सप्लेन किया है कि हम मैटर किसे कहते हैं. जैसे कि आप लोगों को जो भी आपके आसपास दिखता है वो मैटर है. अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं. हम इसको ये कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैटर. तो मतलब मैटर हम किसको बोलेंगे. एनीथिंग, जो भी चीज़ जिस जो कि आप एक जगह रखेंगे वो स्पेस को है, ऑक्यूपाई करेगा और उसका कुछ वजन होगा, दैट हैज़ मास इज कॉल्ड एज मैटर. ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन कौन सी चीज़ हम मैटर कह सकते हैं और किसे हम मैटर नहीं कहेंगे. जैसे इसमें लिखा हुआ है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, इट मीन्स हैव वॉल्यूम. जिसकी भी वॉल्यूम होगी वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो एक जगह घेरेगा. और वी कैन से वाइस वर्सा, दैट जिसकी भी वॉल्यूम होगी वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, या जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसकी वॉल्यूम होती है. और इसके साथ और एक कैरेक्टर होना ज़रूरी है कि उसका वजन हो, मास हो. सो इट शुड हैव मास. तो ऐसी चीज़ों को हम मैटर बोलते हैं. अब हम देखते हैं कि इनमें से हम किस किस को मैटर बोलेंगे और किस को मैटर नहीं. सन, सूरज. अच्छा, थोड़ा टफ हो गया. पहले हम इजी चीज़ों से शुरू करते हैं. आप जो कपड़े पहनते हैं वो मैटर है. हाँ, वो मैटर है. आप कबर्ड में रखते हैं तो वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. बहुत ज़्यादा कपड़े अगर ठूस दें तो कुछ नीचे गिर जाते हैं. आप कहते हैं ना कि इतने सारे कपड़े रखने की जगह नहीं हो रही है. तो उनका वजन भी होता है, दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस टू. तो जब भी हम कोई कपड़ा पहनते हैं जो भी है वो मैटर है. टेबल, चेयर, कुर्सी, ये हमारे आसपास जो है वो मैटर है. अच्छा, एयर, सांस जो हम लेते हैं, हमारे आसपास जो ये हवा है, क्या वो मैटर है. इसको अब आप ही आंसर कीजिएगा. आप ये सोचिए कि एक बलून ले लिया. अब उस बलून को पहले कितनी सी वॉल्यूम थी, वो कितना सा जगह ले रहा था जब आपने उसके अंदर हवा नहीं भरी थी. अब हम ये सोच रहे हैं ना कि हवा मैटर है कि नहीं. तो आपने उसके अंदर हवा नहीं भरी थी तो वो उस बलून का साइज छोटा सा था, वो छोटी सी जगह ले रहा था, उसका वजन भी हल्का था. अब आपने जब उसके अंदर हवा भर लिया तो उसका साइज इंक्रीज हो गया. अब वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. और अगर आप उसको वे करेंगे, आप नाप के देखेंगे, या फिर अगर आप बहुत एक वेइंग मशीन यूज़ करते हैं जिसमें कि बहुत माइन्यूट चेंजेस भी पता चल जाएगा, तो वहाँ पर डिजिटल वेइंग मशीन में आप देखना कि हवा भरने से पहले और हवा भरने के बाद बलून का जो वज़न है वो इंक्रीज़ हो जाता है. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे आस पास एयर है वो मैटर है, क्योंकि वो वॉल्यूम भी, उसका वॉल्यूम भी होता है और उसका मास भी होता है, राइट. अब अगर हम बात करें सूरज की, सन, तो काफ़ी बुक्स में उसकी डायमीटर दी रहती है, राइट, कि उसने इतनी जगह घेरी है. आप जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं कि अगर किसी चीज़ की भी, किसी भी स्पेयर की डायमीटर है तो हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं. तो इससे हमें क्या पता चल गया, जो हम सन की बात कर रहे हैं तो सन की अगर हमें कोई डायमीटर बता रहा है, इसका मतलब हम स्फेरिकल मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ करके उसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं और उसका वज़न भी होता है. तो इस हिसाब से जो सूरज है, चांद, तारे, जो भी है, वो सब मैटर है. आप ये भी जानते होंगे ना कि जो सूरज है वो एक तरह का
star hai. So sun is a type of star. So sun, moon, all the planets in our universe, they all are matter. Apple matter hai. Pani bhi matter hai. So air humne dekh liya. Gases hamare aas paas, jo bhi gases hai, wo matter hai. Kaise? Air is nothing but mixture of gases. जो एयर है उसमें बहुत अलग अलग तरह के गैसेस हैं. तो अब एयर जब मैटर है तो गैसेस भी मैटर हुई. अब ये बताइए, अच्छा फीलिंग लाइक लव, प्यार और हेटनेस, आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है या आप किसी को नफरत कर रहे हैं, आर दे मैटर? सोचिए, क्या वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? नहीं. क्या उसकी कोई वजन है कि आप कितना किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी को प्यार कर रहे हैं? तो कैन वी मेजर इट, कैन वी वेट? नो. सो दे आर फीलिंग्स, वो सब मैटर नहीं होता. अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो ये भी एक प्रोसेस है. अब सोचने से किसी चीज़ की जगह घेरी नहीं जा सकती या उसका कोई वजन भी नहीं होता. सो द थिंग्स लाइक थॉट, हेट, लव, ये सब फीलिंग्स हैं. और अगर हम बात करें आँख की, फायर, अब ये बताइए कि क्या ये मैटर है? थोड़ा टफ है, राइट? अगर मैं आपको इस चीज़ को इजी करने के लिए मैं ये बताती हूँ कि जो आपको आँख की जो लपटें दिखती हैं, जो आपको फ्लेम्स दिखते हैं, द फ्लेम्स ऑफ फायर विच यू कैन सी, वो जो है अलग अलग तरह की गैसेस से बनी होती है. उसमें ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है. तो ऐसे बहुत सारी गैसेस में जब केमिकल रिएक्शंस होती है ना, वो हमें फ्लेम्स देती है. कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है. तो अभी हमने क्या देखा, गैसेस जो हैं वो मैटर है. अब मैंने आपको बताया कि जो फ्लेम है वो गैसेस से बनी है, तो फिर आँख की जो लपटे हैं, जो हमें फ्लेम्स दिखती है, फिर वो क्या हुई, वो भी मैटर हुई. लेकिन आँख के लपटों में से लाइट जो निकल रही है या फिर जो हीट निकल रही है, कहीं पर भी आग लगती है या कहीं पर भी आप आग जलाते हैं, एक तो लाइट होती है और दूसरा होता है हीट, तो क्या वो मैटर है? अभी आँख के लपटों के बारे में भूल जाइए, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विथ फ्लेम्स. The light and the heat which is coming out from that fire, is that matter? नहीं, वो matter नहीं है. क्योंकि light जो है, it is a form of energy. वो energy है, वो matter नहीं है. वो उसका, हम light का कभी आपने सुना है कि ये light बहुत ज़्यादा भारी है या हल्का है? हम ट्यूब लाइट को भारी या हल्का बोल सकते हैं, बल्ब को वे कर सकते हैं, लेकिन उसमें से जो किरणें निकल रही है, हम उसको भारी या हल्का नहीं बोलते, राइट? तो जो लाइट है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो टेम्परेचर है, हीट है, वो एनर्जी है. या हम जो आवाज़ सुनते हैं, वो भी एनर्जी है. तो ये सब मैटर में नहीं आती है. अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि हमारे आसपास हमें जो भी दिखता है या महसूस होता है, उसमें से कौन कौन सी चीज़ें मैटर है और कौन सी चीज़ें मैटर नहीं है. अब हम जब बात कर रहे हैं मैटर की, अच्छा ये बताइए, ये जो पेपर है, क्या ये मैटर है? हाँ, क्योंकि ये स्पेस, अभी इसने मेरे हाथ में इतना सा स्पेस ऑक्यूपाई किया है और इसका वेव भी है, तो ये पेपर जो है ये मैटर है. अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये पेपर किस चीज़ से बनी हुई है, अच्छा क्या मैं इसको और छोटा कर सकती हूँ? हाँ, हम इसको हम इसको फाड़ने के बाद इसकी साइज़ छोटी हो गई. इसको क्या हम और छोटा कर सकते हैं? हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं. ऐसे करते करते अगर मैं आपको बोलूँ कि किस लेवल तक आप इसको तोड़ सकोगे, तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये पेपर किससे बनी हुई है, राइट? जैसे आप सोचिए कि एक वॉल है, दीवार है, तो अगर मैं ये बोलूँ कि दीवार किससे बनी हुई है, तो आप कह सकते हो कि जो ईंटें हैं वो जुड़ जुड़ के दीवार बनाती है. तो ऐसे इस पेपर को भी बनाने के लिए कोई चीज़ें आपस में जुड़ी होगी, राइट? तो ऐसे टेबल है, टेबल को आप तोड़ सकते हो, लेकिन
किस लेवल तक आप उसको तोड़ सकते हो। कुछ तो ऐसी चीज है ना, बहुत छोटी सी चीज जिससे वो जुड़ के बनी होगी। तो दिस वे मैटर, हमारे आसपास जो भी मैटर है वो एकदम आप अगर उसकी छोटी पार्टिकल की बात करें जिससे वो जुड़ के बनती है, वो है एटम्स। अब ये एटम्स क्या है वो हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास के केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर में। उसमें मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि एटम्स क्या है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमें अभी पता चल गया जो मैटर है, मैटर किससे बनी हुई है, मैटर्स बनी हुई है आपके इस चैप्टर में कहा गया है पार्टिकल्स। जहाँ जहाँ पर ये वर्ड पार्टिकल यूज़ किया गया है वैसे आप उसको दिमाग में रखिएगा कि वो कुछ और नहीं एटम्स है। अब ये एटम्स क्या है उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो मैटर अभी के लिए ये समझते हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बनी हुई है। अब ये पार्टिकल कितना छोटा है, ये पार्टिकल जो है ये बहुत छोटा है। अगर हम एटम की बात करें ना, ये इतना छोटा है कि आपको आपकी खाली आंखों से नहीं दिखेगा। यू नीड सम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है एटम्स को देखने के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या है ये हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए आपको ये समझ में आ गया कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको बोलते हैं पार्टिकल्स, उनसे मैटर बनी है। सारी जो मैटर्स हैं वो उनसे बनी हुई है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पर देखिए, अगर मैंने इस ग्लास में पानी भर दिया, पानी, ये जो ग्लास है ये मैटर है, राइट। और इसमें अगर मैंने पानी भरा तो पानी जो है वो भी मैटर है। अगर मैं इसी ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है यहाँ तक सोचिए, और अगर मैं इसको ग्लास को ऐसे डिप करूँगी तो फिर क्या होगा, जो पानी है वो ऊपर की ओर आएगा, राइट। उसका लेवल इंक्रीज होगा, और आप अगर इसको बहुत ज़्यादा डिप करेंगे तो पानी जो है वो गिरने लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ग्लास जो है वो भी मैटर है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जहाँ पर पानी ने अब तक जो जगह घेरी हुई थी वहाँ पर पानी को हटा के ये ग्लास वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट। अगर आप सोचिए कि ये ग्लास में यहाँ तक पानी है और आपने इसके अंदर एक पत्थर डाल दिया तो पानी का लेवल इंक्रीज होगा, वो थोड़ा बढ़ेगा, ऊपर की ओर आएगा। क्यों, क्योंकि जो पानी नीचे था वहाँ पर पत्थर आ गया है और वही वाला पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ गया है, जो नीचे था वो अभी थोड़ा सा ऊपर आ गया है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमने अभी पत्थर की बात की या फिर ग्लास की बात की वो सब मैटर है और उसने स्पेस ऑक्यूपाई की। अब और एक सिचुएशन सोचिए कि इसी पानी में अगर मैं चीनी घोल दूँ, अभी पत्थर और ग्लास को भूल जाइए, आपने यहाँ तक पानी भरा और इसके अंदर एक चम्मच चीनी डाल दी और उसको अच्छे से घोल लिया। उससे पहले ये बताइए, चीनी मैटर है, इस शुगर मैटर, यस, क्योंकि डब्बे में आप चीनी भरते हैं ना तो आपको दिखता है कि चीनी जो है वो स्पेस ले रही है और चीनी का वजन भी है, तो चीनी मैटर है। अब मैंने उसको घोल दिया तो वो जो चीनी था वो चीनी कहाँ गया, और क्या पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ। आप लोग करके देखिएगा, जो पानी जो यहाँ तक थी, इस लाइन तक थी, उसमें चीनी, एक चम्मच अगर आप चीनी डालेंगे तो उसके बाद भी वो पानी इसी लाइन तक रहेगी और चीनी भी गायब हो गई। अब ये कैसे हुआ, इस चीज़ को हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड के पिक्चर के थ्रू। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये जो वाइट गोल गोल दिख रहे हैं ना, वो आप समझ लीजिए पार्टिकल ऑफ वाटर है। मतलब ये वाइट गोल गोल से पानी बना हुआ है, और ये जो काला दिख रहा है, ब्लैक कलर का जो आपको गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वो है चीनी के पार्टिकल्स। तो इसमें क्या दिख रहा है, जो पार्टिकल ऑफ वाटर है उनके बीच जगह है, और ये जो चीनी की पार्टिकल्स हैं वो उन्होंने जाके क्या किया, वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है वहाँ पर जाके वो सेटल हो गए। तो इसी तरह चीनी जो है वो पानी में घुल गया है। तो इस एग्जांपल से हम ये कह सकते हैं कि
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो भी मैटर है, जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जगह है, वो आपस में जुड़े तो हुए हैं, लेकिन उनके बीच में वो ऐसे भी बिल्कुल नहीं जुड़े हुए कि उनके बीच में कोई जगह ना हो, उनके बीच में थोड़ी सी जगह है, वी कैन से दैट, राइट। अच्छा, पानी में चीनी तो घुल जाती है, सैंड क्यों नहीं घुलती? आपने कभी मिट्टी को पानी में घोलने की कोशिश की है? घोल के देखिएगा, वो नहीं घुलती, जैसा था वैसा ही रह जाता है सैंड। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ये जो सैंड की पार्टिकल्स है ना, अभी ये देखिए काला काला जो स्ट्रक्चर है वो है शुगर की पार्टिकल्स। अगर इसी का जो साइज है वो बड़ा हो जाए तो क्या होगा, वो स्पेस जो है दो पार्टिकल्स के बीच में वो ऑक्यूपाई नहीं होगा, ठीक है। दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में छोटा सा ही स्पेस है, जिसमें शुगर का पार्टिकल छोटा था तो वो आके ऑक्यूपाई कर गया, लेकिन जो सैंड का पार्टिकल है, जिस चीज़ से सैंड बनी हुई है, वो बड़ा है, तो वो स्पेस नहीं ले पा रहा है, इसीलिए वो नीचे ही रह जाता है, वो डिसॉल्व नहीं होता है। तो अब हमने क्या देखा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इतना हमको आ गया समझ में। अब हम दूसरे पिक्चर में देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहां पर देखिए, पहला एक ग्लास है, ठीक है, उसके अंदर अगर आपने एक बूंद इंक डाल के देखी तो क्या होता है, उसको आप हिलाइए मत, चम्मच से बिल्कुल मत हिलाइए, जस्ट उसको एक बूंद इंक डाल के रख दीजिए तो, और थोड़ी देर के लिए उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको देखिए। आप सब ये छोटी छोटी एक्सपेरिमेंट्स हैं, आप अपने घर पे कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है या गलत है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप उसको चम्मच से मत हिलाइए, पानी जो था बिल्कुल स्टिल था, वो हिल नहीं रहा था, उसी में आपने एक बूंद इंक डाला, वो इंक जो है वो धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है, और स्प्रेड होते होते आप पहला ग्लास को देखिए और आखिरी ग्लास को देखिए, पूरे जगह पे इंक आ गई है। तो ऐसे आपको इससे क्या पता चल रहा है, जो इंक की पार्टिकल्स थी वो है नीला रंग का, तो वो जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं। तो किसने मूव करने के लिए बोला, चम्मच से आपने उसको हिलाया था? नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया था, वो पार्टिकल्स जो है खुद ब खुद ही मूव कर रही है। तो हम इस एग्जांपल से हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मैटर की, मैटर जो पार्टिकल से बनी हुई है, उनकी क्या क्या खासियत है, उनके क्या क्या गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनका क्या गुण है। तो पहला हमने देखा, ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहता है। दूसरा हमने क्या देखा, ये जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में मूव भी कर रहे हैं। मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप अगरबत्ती एक कोने में जलाते हैं, ठीक है, तो आपको घर के दूसरे कोने में थोड़ी देर बाद, तुरंत नहीं, एक मिनट दो मिनट बाद, आपने अगरबत्ती घर के एक कोने में जलाए तो दूसरे कोने में भी उसकी स्मेल आती है। मम्मी अगर खाना किचन में बना रही है तो रूम तक उसकी स्मेल आती है। कैसे आ रही है? ये जो स्मेल है वो पार्टिकल्स जो है, जो खाने की है, छोटी सी, बहुत छोटी, आपको आपकी खाली आंखों से नहीं दिखेगा, वो मूव करते हुए आपके नाक तक पहुंचती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स है, एयर में आएगी, एयर भी मूव कर रहा है, एयर भी मैटर है, उसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, तो सब जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर की, वो सब मूव कर रही है। ये ग्लास मूव करता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप कहेंगे नहीं दिख रहा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप सोचेंगे तो इनकी पार्टिकल्स भी मूव कर रही है। अगर आप एयर की बात करें, एयर के पार्टिकल्स ज़्यादा मूव कर रहे हैं, लेकिन ये ग्लास की पार्टिकल्स बहुत धीरे धीरे मूव कर रही है, लेकिन कर तो रही है मूव, ठीक है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि किसी भी मैटर की जो पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं, किसी का मूवमेंट बहुत फास्ट है और कुछ थोड़ा सा ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब हम तीसरे पिक्चर में देखते हैं कि क्या हो रहा है। आप ये जो क्यूबिक
बॉक्स है जिसमें गोल गोल बॉल है, आप समझिए कि एक ये मैटर है और इनके अंदर जो ये स्पीयर्स आपको दिख रहे हैं वो है पार्टिकल्स। तो उन्होंने आपस में जुड़ के ही मैटर बनाया, तो आपस में उनको किसने जोड़ा? आप अभी एक वॉल इमेजिन कीजिए, दीवार, तो दीवार में ईंट को जोड़ने के लिए हम सीमेंट लगाते हैं, राइट? तो अभी ये जो दो पार्टिकल्स है वो तो आपस में जुड़े हुए हैं इस पिक्चर के हिसाब से, और उन्होंने जुड़ जुड़ के आपस में मैटर बनाया है, तो उनको आपस में किसने जोड़ा है? आप इमेजिन कीजिए दो मैग्नेट बॉल्स और वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे अगर मैंने आपको बहुत सारी मैग्नेटिक बॉल्स दे दिया और कहा कि जैसे इस पिक्चर में स्ट्रक्चर दिख रहा है वैसे बनाइए, तो क्या आप बना सकते हैं? आप सब बना सकते हैं, राइट? बॉल्स को रखेंगे, वो आपस में जुड़ जाएंगे और वो पूरा क्यूब खड़ा हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है, दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनके बीच में कोई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब कुछ पार्टिकल्स के बीच में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और कुछ पार्टिकल्स के बीच में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। अगर मैंने आपको एक चौक दिया और कहा उसको तोड़ो, तो यू ऑल विल एबल टू ब्रेक इट ईजीली, आप सब उसको बहुत आसानी से तोड़ दोगे, राइट? इतना सा चौक है, उसको आप आसानी से तोड़ दोगे। अब सोचिए, अगर मैंने आपको इतनी सी एक पेंसिल दी और मैंने कहा कि उसको दो टुकड़ों में तोड़ दो, थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा लेकिन आप तोड़ दोगे, राइट? अगर मैंने इतनी ही साइज का आपको एक आयरन नेल दिया, मतलब जो लोहे की बनी एक नेल कील दी, और मैंने कहा कि उसको तोड़ दो आप अपने हाथों से, विल यू एबल टू ब्रेक इट? आप उसको तोड़ नहीं पाओगे। तो अब आप बता सकते हैं कि चौक, पेंसिल और जो आयरन नेल है, इन तीनों के पार्टिकल्स में से किसका पार्टिकल, किन के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है? यस, पार्टिकल्स ऑफ आयरन नेल आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू ईच अदर, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू पेंसिल, एज कम्पेयर टू चौक। और अगर आप चौक और पेंसिल की बात करें, तो जो चौक है उसके पार्टिकल्स उतने ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं है जितना कि पेंसिल का है, तभी हम उसको सेपरेट कर पा रहे हैं आसानी से, राइट? अगर अब मैंने बात की चौक, पानी और हवा की, अगर आप एक चौक से अपना हाथ ऐसे निकालना चाहे तो वो चौक रोक देती है आपके हाथ को, राइट? ये ग्लास का एग्जांपल ले लीजिए, ऐसे करके मैं अपने हाथ को अगर इस ग्लास के इस पार से उस पार लेके जाना चाहूँ तो नहीं होगा, बीच में ग्लास आ रहा है, क्यों? इसके पार्टिकल्स क्लोजली अट्रैक्टेड है। अगर एक बहती हुई पानी का धारा है और मैं इस साइड से उस साइड अपना हाथ लेके जाऊँ तो वो हो जाएगा, और हवा के बीच में से तो हम बहुत इजीली मूव कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड मतलब पानी, और गैस, यहाँ पर आप एयर इमेजिन कीजिए, आसपास की हवा को इमेजिन कीजिए, तो इन तीनों में से किन के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है? सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। फिर आता है लिक्विड, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस के पार्टिकल्स के बीच में। तो आज हमने देखा थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कि जो ये मैटर है वो जो पार्टिकल से बनी हुई है उनके तीन गुण के बारे में हमने पढ़ा, उनकी खासियत, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। व्हाट आर दे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन, एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, राइट? अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, मैं आप लोगों से बस आंसर चाहती हूँ कुछ क्वेश्चंस के इन द नेक्स्ट क्लास। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये बताइए कि
एक गरम खाने की जो स्मेल है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर अवे, आपके पास जल्दी आ जाती है, बहुत दूर तक जाती है, जबकि आपने एक ठंडा खाना रख दिया उसका स्मेल नहीं आता, इतने दूर तक नहीं आता। पास जाके स्मेल करोगे तो स्मेल आएगी, लेकिन दूर तक नहीं आती। गरम खाने की स्मेल ज़्यादा दूर तक आती है, ऐसा क्यों है? आप सब इसका आंसर फाइंड आउट करके लाएंगे नेक्स्ट क्लास में। और इट्स ईजी टू ब्रेक अ चॉक बट नॉट ईजी टू ब्रेक अ आयरन नेल, इसका आंसर तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, फिर भी आप लोग पढ़ते रहिएगा, रिवाइज कीजिएगा जो भी पढ़ाया है, क्योंकि अगर आप रिवाइज करते रहें तो छोटी छोटी चीज़ों को बार बार रिवीजन करने से आपको वो सारी चीज़ें बहुत दिनों तक याद रहेगी। सो स्मॉल रिवीजन हेल्प्स यू फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।